इज़ वेलकम बैक टू माई चैनल सो ये है जूडियो पार्ट टू इसमें मैं आपको दिखाऊंगी मेन्स कलेक्शन जूडियो का जो मेन्स सेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है पहले जैसे ही एंटर करते थे स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर पे तो पहले किड्स सेक्शन आता था और पीछे की साइड पे इनका अम, मेन सेक्शन होता था बट इन्होंने अब मेन सेक्शन और किड सेक्शन को आई डोंट नो वाई मिक्सअप सा कर दिया है पीछे की साइड किड सेक्शन भी है और मेन्स uh, सेक्शन uh, के शूज भी रखे हुए हैं so, सो थोड़ा सा इन्होंने आई डोंट नो वाई ऐसा किया पहले ज़्यादा अच्छा था सिकॉज़ so, यहाँ की जो कलेक्शन है वो मोस्टली आपको दिखेगी सिक्स नाइन नाइन फाइव नाइन नाइन एंड एट नाइन नाइन मोस्टली सेवन नाइन नाइन और एट नाइन नाइन के प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं जैसे कि ये शर्ट्स यहाँ पर सेवन नाइन नाइन की हैं जिसमें शर्ट्स भी थी और कुछ नॉर्मल शर्ट्स कॉटन शर्ट्स भी थी साथ ही साथ जब मैंने आगे देखा तो एट नाइन नाइन में मुझे यहाँ पे स्वेटर्स मिल रहे थे और स्वेटशर्ट्स uh, भी अवेलेबल थी एट नाइन नाइन में कई मैं जितना ज़्यादा खुश विमेन कलेक्शन को देख के थी उतना ही डिसपॉइंटेड हुई हूँ मैं इनके मेन कलेक्शन को देख के इन्होंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए इस बार मैन uh, कलेक्शन में जो मुझे कुछ वैरायटी देखने को नहीं मिली है वही उतनी ही सारी सॉलिड स्वेटशर्स है बहुत सारी स्वेटशर्स देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे जीन्स का प्राइस मेन और वीमेन दोनों के लिए सेम है दैट इज़ सिक्स नाइन नाइन और कुछ जीन्स है जो थाउजेंड तक जाती हैं अदरवाइज नॉर्मल जीन्स सिक्स नाइन नाइन की थी उसी के साथ में सिक्स नाइन नाइन का एक सेक्शन था जहाँ पे स्वेट शर्स थी इस बार की स्वेट शर्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई जो पीछे वाली साइड स्वेट शर्स थी वो फिर भी मुझे ज़्यादा थोड़ी पसंद आई बट जो इनका सिक्स नाइन नाइन का ये वाला सेक्शन था वहाँ ख़ास मुझे कुछ ऐसा पसंद नहीं आया और जो पसंद आने वाला था वहाँ पर आप देख सकते हैं कि almost आ, सारी चीज़ें सारा स्टॉक आउट हो चुका था इनका बाकी स्टॉक ऑलमोस्ट ये सॉलिड कलर्स आपको हर जगह ऐसे ही नॉर्मल कलर्स जोड़ियों में देखने को मिलेंगे कुछ स्पेशल मुझे ऐसा दिखा नहीं है अभी तक आ, ये कुछ जीन्स थी जो अंडर थाउजेंड आपको मिल रही थी जीन्स का प्राइस भी यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा था सिक्स में भी थी और सेवन यहाँ पे थाउजेंड में भी थी ये शर्ट भी यहाँ पे थाउजेंड की थी दो मुझे ये शर्ट काफ़ी पसंद आई ये डेनिम शर्ट्स थी इनका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और ये थाउजेंड की आपको मिल रही थी शर्ट की क्वालिटी मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी और शर्ट का जो इन्होंने वैरायटी दी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ ये यह जो 599 नाइन नाइन की स्वेटर्स हैं ना काइज ये मुझे 699 से ज़्यादा अच्छी लगी आई डोंट नो वाई कुछ का तो कपड़ा थोड़ा पतला था बट कुछ यहाँ पर स्वेटशर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की थी तो अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर sure आप दोनों ही चेक करें 599 और 699 ऐसे जगह जगह आपको बहुत सारी स्वेटशर्स मिल जाएंगी सिक्स नाइन में कुछ स्वेटर्स भी अवेलेबल थे जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं जैसे ये स्ट्राइप का पूरा अलग सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे सब स्ट्राइप्स में ही आपको स्वेटर्स और स्वेट शर्ट्स मिलेंगी इनका कपड़ा भी मुझे अच्छा लगा आप जाके जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं इनका कपड़ा काफ़ी अच्छा है काफ़ी वॉम यहाँ पे ये यह स्वेटर्स आपको मिल रहे थे उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट आगे गई तो मुझे फाइव का फिर से एक ये सेक्शन दिखा जहाँ की स्वेट सॉलिड कलर में थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मुझे सारी स्वेट लग रही थी सिक्स डबल नाइन में ये सर्दियों के लिए कुछ लोअर आए हुए थे जिनका कपड़ा अच्छा था मतलब इस अगर आप ये लोअर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी अगर यहाँ पे फिर से कुछ स्वेटर्स लगे रखी हुई थी इनका ये जो हुडी का सेक्शन था ना गाइज़ इसकी क्वालिटी सच बताऊँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इतने ही प्राइस में आपको ईजिली सरोजनी में इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी बिलीव मी यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा क्वालिटी पसंद नहीं आई ये कुछ आ, यहाँ पे चीनोज रखे हुए थे लोअर रखे हुए थे थ्री नाइन नाइन में आप जाएंगे चेक कर लेंगे क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसी है 699 में अगेन वही सॉलिड प्लेन स्वेट हर जगह यही था इनका फॉर्मल का सेक्शन इस बार इन्होंने अलग किया हुआ था जिसमें फॉर्मल पैंट्स शर्ट्स और शूज़ भी इन्होंने अलग सेक्शन में ही रखे हुए थे तो अगर आपको फॉर्मल कुछ लेना है तो आपको अलग से मिल जाएगा ये चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी एट नाइन नाइन में जो उन्होंने स्वेटर्स रखे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे इनके चीनोज़ यहाँ पे आ, जो है अगेन उनका प्राइस अभी तक वही है सेम है और क्वालिटी और क्वांटिटी एंड वैरायटी भी इन्होंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं की है फाइव नाइन नाइन में ये स्वेट का कलर मुझे अच्छा लगा अगर आप डिफरेंट कलर्स ढूंढ रहे हैं तो जूडियो में आपको मिल जाएंगे प्लस यहाँ पे कुछ इस बार आ, सर्दियों के लिए आ, शर्ट्स भी आई हैं जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं जैसे ये पूरा जो सेक्शन था ये शर्ट्स का था जिसमें गर्म शर्ट आपको मिल रही थी कपड़ा काफ़ी मोटा और काफ़ी अच्छा था सेवन नाइन नाइन इनका प्राइस था और मुझे ब्लैक वाली और ग्रीन वाली शर्ट बहुत अच्छी लगी अब जब जब आप चेक करेंगे इनका कपड़ा चेक करेंगे तो बहुत अच्छा है कम ठंड में अगर आपने ये शर्ट पहनी हुई है तो आपका काम चल जाएगा आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगने वाली है तो ये कि शर्ट का सेक्शन मुझे अच्छा लगा साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक जैकेट भी देखी थी जो मैं आगे आपको शो करूंगी थाउजेंड रुपीज़ के अंदर थी वो जैकेट मुझे बहुत पसंद आई बेसिकली इज आई ट्राई टू कवर द होल जूडियो कलेक्शन ये जैकेट की मैं बात कर रही थी ये जैकेट अच्छी है थाउजेंड में काफ़ी वर्थ है आप जाके ये भी चेक कर सकते हैं इनका शूज़ सेक्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है हमेशा तीन सौ रुपये में ये वाइट स्निकर्स मिल रहे थे और ये हाईनेक बूट्स होते ये थाउजेंड रुपीज़ के थे इनके शूज़ का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा वेराइटी से भरा हुआ था स्निकर्स में भी अलग अलग कलर्स थे और तीन सौ रुपये के स्निकर्स थे आपको अगर स्पोर्ट्स शूज़ में कुछ है फाइव नाइन नाइन से इनके स्पोर्ट्स शूज स्टार्ट हो गए थे आप जाके वैरायटी चेक करेंगे गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी इन्होंने शूज की दी हुई है एज यू कैन सी बहुत कलरफुल शूज हैं बेसिकली दे ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी स्टाइल इन शूज थाउजेंड रुपीज का सेक्शन मुझे बहुत पसंद आया सो so, गाइज ये सारा कलेक्शन था जूडियो का मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी है ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए तब तक के लिए बाय